वेलकम बैक एवरी वन, दिस इज़ मोहम्मद अरसलान एंड वेलकम बैक टू द ई कॉमर्स साइट सीरीज़, जिसमें हम PHP और MySQL की बेस पे एक ई कॉमर्स साइट बना रहे थे। सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने यूज़र रिलेटेड तमाम ऑपरेशंस को कंप्लीट कर लिया एंड नाउ द टाइम हैज़ कम टू द मेन टॉपिक विच इज़ द मल्टी वेंडर रजिस्ट्रेशन, जिसकी एक रिक्वेस्ट भी थी और एक डिमांड भी थी कि मल्टी वेंडर ई कॉमर्स साइट बनाई जाए। सो उसी से रिलेटेड हम अपने प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करने वाले। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द बेसिक, बिकॉज हम एक बेसिक इन बेसिक डिटेल्स को लेकर, बेसिक लॉजिक को लेकर जो है हम ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ रियल ई कॉमर्स साइट जिसको हम जहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ हों। वी कैन डू दिस, बट फॉर द टाइम बींग वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट द बेसिक सिनेरियोज एंड बेसिक लॉजिक हैंडलिंग फॉर रिलेटेड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टी वेंडर एंड ई कॉमर्स साइट। सो लेट्स मूव टू द साइट, अब साइट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें मल्टी वेंडर में करना क्या है। बट बिफोर डूइंग दिस आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट वॉट इज़ मल्टी वेंडर। मल्टी वेंडर एक तरीके से ऐसे होगा कि लाइक यू हैव अ मॉल एंड इन दैट मॉल सम डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ जो सेलर्स और प्रोड्यूसर्स होंगे वो आपसे शॉप्स को खरीद के, शॉप्स को बाय करके आपकी ई कॉमर्स में आपके मॉल के अंदर अलग अलग शॉप से ले होंगे। सो वट विल हैपन कि एक ही शॉप के ऊपर आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा होगा एंड द सेम प्रोडक्ट विल बी अवेलेबल ऑन दी अदर शॉप एज वेल। ठीक है, तो हर शॉप वाला जो है वो हर स्टोर वाला अपने अपने स्टोर का रिकॉर्ड रख रहा होगा और उन स्टोर्स को हैंडल करने वाले और टैकल करने वाले जो उनकी हैंडलिंग देख रहे होंगे, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे होंगे, वो उनके अपने अपने वेंडर्स होंगे और उन वेंडर्स को जो डील आउट कर रहा होगा वो हमारा कौन होगा, जो कि एक एडमिन होगा, जो कि हमारी ई कॉमर्स साइट का हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू दिस साइट। ओके गाइस, सो दिस इज़ आवर साइट और यहाँ पे हम एक साइन अप का फॉर्म ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। सो नाउ इन दैट साइन अप फॉर्म हम एक फील्ड इजाफी ले लेंगे और उस फील्ड के अंदर हम डिसाइड कर लेंगे कि द पर्सन हु इज़ गोइंग टू रजिस्टर वो वेंडर है या फिर यूज़र है, देन सो ऑन के वो कौन है। ठीक है, सो वॉट टू डू दिस नाउ, अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस की तरफ एंड द डेटाबेस विल बी लोकल होस्ट PHP माई एडमिन और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपना ई कॉमर्स का डेटाबेस और उस डेटाबेस में हम देखते हैं कि जो हमारा यूज़र का टेबल है उसका स्ट्रक्चर फिल वक्त कैसा है। सो टू डू दिस आप देखें यूज़र्स का आपके पास टेबल बना हुआ है इस वक्त और इसके अंदर अभी हमें नहीं पता कि कौन वेंडर है, कौन कस्टमर है, कौन एडमिन है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पर एक इजाफी टेबल बनाते हैं। ठीक है, और उस टेबल को जो ना हम एक ऐसा जेनेरिक वे में बनाने की ट्राई करेंगे, ऐसा कॉमन वे में बनाने की ट्राई करेंगे कि वो हमें और दूसरे मॉड्यूल्स में भी काम आ सके। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल एंड दैट टेबल विल बी अ कॉमन ड्रॉप डाउन। ठीक है, सो इसको हम कॉमन ड्रॉप डाउन इसलिए कह रहे हैं कि हम बहुत सारे जो ड्रॉप डाउन्स हैं हमारे वो हम इसी टेबल के अंदर हैंडल कर रहे होंगे, लाइक रोल्स हो गया, स्टेटस हो गया या डिफरेंस हो ऑन। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे ID, इंटीजर एंड प्राइमरी की, नॉट नल एंड ऑटो इंक्रीमेंट। राइट, आफ्टर दैट हम यहाँ पे जो है वो ड्रॉप डाउन नेम ले लेंगे। सही, तो हम यहाँ पे नेम लिख देंगे सिंपल, इट विल बी वारसार एंड इसमें मैं 100 रखवा देता हूँ, दिस विल बी नॉट नल। राइट, और उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे वैल्यूज़ और वी कैन से ऑप्शंस, हम इसमें ऑप्शंस ले लेंगे एंड ऑप्शन को भी हम वारसार रखेंगे, दिस विल बी वारसार एंड इसमें भी 100 रख लेते हैं और ये नॉट नल होना चाहिए। राइट, तो अब हमारे पास ऑप्शन आ गया, नेम आ गया। राइट, और अच्छा ऑप्शन में ये थोड़ा सा एरर दे रहा है, सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर जो है ना वो ड्रॉप डाउन ऑप्शन रख लेते हैं इसको। ठीक है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन रख लेते हैं और इसको जो है आप कह लो कि ड्रॉप डाउन नेम रख लोगे। ठीक है, एंड इन द सेम वे आप यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ले लेंगे, ड्रॉप डाउन वैल्यू। राइट, और दिस विल बी इंटीजर, नॉट नल एंड डिफॉल्ट 0। ओके, सो लेट्स जस्ट क्रिएट दिस, हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, हमारे पास एक टेबल आ गया कॉमन ड्रॉप डाउन का। अब इसके अंदर हम कुछ डेटा इंसर्ट करवा देते हैं, सो इंसर्ट इन टू कॉमन ड्रॉप डाउन। राइट, एंड आफ्टर दैट आई वुड से वैल्यूज़ और वैल्यूज़ के अंदर मैं बताऊँगा कि मेरा ड्रॉप डाउन का नाम क्या है। तो मेरे ड्रॉप डाउन का नाम है रोल। ठीक, और उसमें पहला ऑप्शन मेरे पास होगा एडमिन और उसकी जो वैल्यू मैं रखाऊँगा वो 1 होगी। ठीक है, देन जस्ट कॉपी दिस वन, इसको आप कॉपी कर लें यहाँ से, पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट मेरे पास होगा वेंडर और उसकी जो मैं वैल्यू रखवाऊँगा दैट विल बी 2। ओके, नाउ मेरे पास जो होगा वो होगा कस्टमर और यू कैन से यूज़र, तो हम इसमें कस्टमर रखते हैं, दिस विल बी बेटर। तो फिल वक्त हम अपने ड्रॉप डाउन के अंदर 3 रोल्स यहाँ पे क्रिएट करवा रहे हैं। ओके, व्हाट इज़ इट सेइंग, कि कॉलम डज नॉट मैच। ओके, कॉलम डज नॉट मैच, सो आई थिंक
वी हैव मेड अ मिस्टेक हियर, आई थिंक वी आर इग्नोरिंग सम कॉलम, तो देखते हैं क्या क्या इसमें। तो ड्रॉप डाउन का नेम दे दिया हमने, देन ड्रॉप डाउन की ऑप्शन दे दी, एंड वॉट इज़ रिमेनिंग। ओके, ड्रॉप डाउन वैल्यू भी हमने इसमें दे दी है। ओके, तो यहाँ कॉलम डिस्क्राइब कर देते हैं एक बार उसको, मे बी वो आई डी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। सो इट्स अ ड्रॉप डाउन नेम, देन ड्रॉप डाउन ऑप्शन, एंड देन ड्रॉप डाउन वैल्यू। ओके, सो अच्छा ये जो कॉलम थे ना, सॉरी वो यहाँ पे नहीं आएंगे, ये आएंगे यहाँ टॉप पे, हियर। ओके, नाउ ट्राई दिस, इसको आप इंसर्ट करते हैं। ओके, सो वी हैव इंसर्टेड द रिकॉर्ड्स। अब आपके पास जो है ना वो तीन रिकॉर्ड्स आ गए, ये वाले, यू कैन सी हियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना है, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे हम, सो लेट्स कम हियर, अपनी साइट में आते हैं, ठीक है, और सब कुछ यहाँ से कोलैप्स करेंगे, डेटाबेसिस की तरफ जाएंगे और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे हम, और वो होगी ड्रॉप डाउन मेकर। इसको हम फिलहाल ड्रॉप डाउन ही रखते हैं, ड्रॉप डाउन डॉट पी एच पी, ठीक है। ड्रॉप डाउन डॉट पी एच पी इसमें हम अपने काम करने वाले होंगे जो पी एच पी से रिलेटेड होगा। तो हम यूज़र फंक्शंस की तरह, जैसे हमने यहाँ पे काम कर रखा था, हम सिंपल क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे को कॉपी करेंगे एंड वी विल जस्ट पेस्ट इट हेयर, ठीक। ओके, नाउ अब आपके पास क्या सिनेरियो आ गया कि आपने डी बी फंक्शंस को आपने यहाँ पे इंक्लूड करवा लिया, ठीक है। अब डी बी फंक्शन इंक्लूड करवाने के बाद हम यहाँ पर इसको फिल वक्त के लिए हम इनको कोलैप्स करवा देते हैं फंक्शंस को। ओके, अब यहाँ हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं इन दिस प्लेस, और वो एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें हम जो है वो ड्रॉप डाउन का नेम दे रहे होंगे और वो हमें उसके सारे ऑप्शंस को ना प्रिपेयर करवा के एक एचटीएमएल रिटर्न कर रहा होगा। ओके, तो हाउ टू डू दिस वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर हम जो है वो इसको कहेंगे कि भाई ये है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट मेकर, ठीक है। सो वी कैन कॉल दिस सेलेक्ट लिस्ट मेकर, ठीक है, सेलेक्ट लिस्ट मेकर होगा हमारे पास ये। ओके, नाउ हम इसमें देंगे ड्रॉप डाउन नेम, ठीक। ओके, तो हम इसको ड्रॉप डाउन नेम देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज प्रिपेयर करवा के देगा। ओके, सो द कोड विल बी हियर, राइट। अच्छा, अब हम कोड कैसे करने वाले हैं, अब हम कोड ये करेंगे भाई कि यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर क्यूरी, एक क्यूरी क्रिएट करेंगे और उस क्यूरी में हम क्या कहेंगे। ओके, तो क्यूरी में हम देखें कुछ इस तरह से कहने वाले होंगे, लाइक हम पी एच पी में एडमिन की तरफ आते हैं, एस क्यू एल में जाते हैं, और यहाँ पे मैं कहूँगा सेलेक्ट, ठीक है, ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम के सब कुछ सेलेक्ट करें कॉमन ड्रॉप डाउन में से। ओके, तो जब हम इस की को चलाएंगे तो हमारे पास क्या रिकॉर्ड आने वाले, लेट्स सी। ओके, हमारे पास रिकॉर्ड्स आ गए ये वाले, ठीक है, तो कॉमन ड्रॉप डाउन में हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गए। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ना एक क्यूरी बनाता हूँ, सेलेक्ट ऑल, और वी कैन जस्ट इग्नोर दिस, वाई वी आर मेकिंग अ क्यूरी, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉमन ड्रॉप डाउन, राइट, एंड दिस विल बी सी, वेयर सी डॉट ड्रॉप डाउन नेम इज इक्वल टू वॉट, ड्रॉप डाउन नेम इज इक्वल टू वॉट, जो आप यहाँ से लेके आए, ठीक है, तो ये वाला। सो इन दिस वे हमें क्या मिल रही होगी, हमें एक क्यूरी मिल रही होगी, ठीक है, और अब उस क्यूरी को हम एज़ यूजुअल क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर वो क्यूरी आपकी एम्प्टी नहीं है, इफ़ द क्यूरी यू हैव प्रिपेयर इज़ नॉट एम्प्टी, सही। एक्चुअली इसके पहले भी आपको एक चेक लगाना चाहिए, वो ये होगा कि इफ़ ड्रॉप डाउन नेम इज़ नॉट एम्प्टी, राइट, कि जो आपका ड्रॉप डाउन नेम है ना वो अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो जस्ट कॉपी दिस वन एंड पेस्ट हेयर। ओके, अब यहाँ आप कहेंगे कि अगर ड्रॉप डाउन नेम एम्प्टी नहीं है तो फिर आप आगे काम करेंगे, ठीक है, और आगे काम क्या होगा, आप ये क्यूरी प्रिपेयर करवाओगे इस तरीके से, ठीक है, और फिर आप कहोगे कि अगर क्यूरी एम्प्टी नहीं है तो फिर आगे क्या करेंगे आप, जैसे ये आपने एग्जीक्यूट MySQL क्यूरी किया हुआ था ना, जो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ जो डेटाबेस में जाके हमारी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता है, तो वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, राइट। एज यू गेट द रिजल्ट फिर आप एक चेक लगाएंगे इफ़, ओके, इफ़ के बाद आप कहोगे कि काउंट, कि जो काउंट आपके पास आया है, किसका काउंट भाई, रिजल्ट का काउंट, इट मीन्स कि अगर रिजल्ट के अंदर आपके पास काउंट आ जाता है ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, इट मीन्स कि आपके पास कुछ रिजल्ट आया, देन आप चेक करेंगे कि उस रिज़ल्ट के अंदर जो आपके पास रिस्पॉन्स है, बिल्कुल वैसी जैसे हमने सब जगह पे कर रखा है,
कि हम देखेंगे कि अगर उसके अंदर आपके पास सक्सेस आया है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फिर हम ये देखेंगे कि उस सक्सेस के अंदर जो हमारा रिस्पॉन्स है कि क्या उसके अंदर कुछ हमारे पास वैल्यूज़ है। अब ये चीज़ें मे बी पॉसिबल आपको समझ में ना आ रही हूँ, बट फॉर डूइंग दिस यू मस्ट गो बैक टू द लेक्चर्स वी हैव रिकॉर्डेड प्रीवियसली। आपको वो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड। मीन्स हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम एक क्यूरी बना रहे हैं, इस क्यूरी को हम एसक्यूएल में एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, हमारे पास रिजल्ट आता है, हम देखते हैं कि अगर रिजल्ट एम्प्टी नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, देन हम चेक करते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट ट्रू है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर रिजल्ट ट्रू होता है फिर हम देखते हैं कि हमारे रिस्पॉन्स के अंदर अगर रिकॉर्ड्स हैं तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम अपना वाइल का लूप एग्जीक्यूट करवाते हैं लाइक दिस, तो हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करवा देंगे, तो ये हमारा वाइल का लूप चलेगा पूरे रिस्पॉन्स के अगेंस्ट, ठीक। अब जब हमारा वाइल का लूप चलना शुरू होगा, सो बिफोर डूइंग दैट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इको करवाएंगे, ठीक है। और इको क्या करवाने वाले हैं तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गो टू द लॉगिन इज साइनअप पेज। मैं साइनअप के पेज पर जाना चाहूँगा, दिस इज़ माई साइनअप पेज, ठीक है, और ये हमारी फील्ड्स हैं। तो बिफोर डूइंग दिस मैं क्या करता हूँ, इसी फील्ड के साथ एक कॉपी करता हूँ मैं और एक फील्ड यहाँ पे लगा देता हूँ, ओके। अब अगर हम अपना साइनअप का पेज देखेंगे तो उसमें ऑब्वियसली हमें एक फील्ड इजाफी नज़र आई होगी विच विल बी द पासवर्ड। हम यहाँ से अपने पासवर्ड को हटा लेंगे, ठीक है, एंड आई विल क्रिएट अ सेलेक्ट लिस्ट हियर, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट लिस्ट बना दूंगा लाइक दिस, ठीक है। नाउ वी पेज रिफ्रेश द पेज, तो देखें आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, ओके। नाउ इन दैट सेलेक्ट लिस्ट मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट करूँगा, ठीक है, ऑप्शन, और उस ऑप्शन को मैं क्लोज करूँगा लाइक दिस, सही, और उसमें मैं लिख दूँगा एडमिन, देन मैं उसको कॉपी करूँगा, ओके, इसमें मैं एडमिन दिखा दूँगा, सही है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दिखा दूँगा लाइक दिस विल बी वेंडर, और फिर यहाँ पे लास्ट में कस्टमर, ओके। तो जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, लुक वी हैव गॉट ऑल द थ्री ऑप्शंस, ठीक है, तो इस तरह हमारे पास तीन ऑप्शंस आएंगे। अच्छा, अब हमें ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, तो हमें इसको ऑब्वियसली एक नेम देना पड़ेगा, ठीक है, तो हम इसको जो है ना वो एक नेम दे देंगे कि भाई इसका जो नेम है वो क्या है, लाइक दिस, वो ऐसे हो जाएगा, इसका जो नेम है भाई वो होगा लाइक यू कैन से रोल, ठीक है, इसका नेम रोल होगा, सही। उसके बाद इसके अंदर मुझे वैल्यू देनी होगी कि भाई इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, और फिर मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करवा दूँगा, एंड देन आई विल पेस्ट हेयर, और मैं कहूँगा कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो 3 है, इसकी वैल्यू 2 है। सो विद दिस वे आपके पास देखें यहाँ पे वैल्यूज़ आने लग जाएंगी, और अगर आप इसको इंस्पेक्ट भी करेंगे ना लाइक दिस हेयर, यहाँ इंस्पेक्ट में जाके अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये आपके पास एक रोल बना हुआ है, ठीक है, और उस रोल के अंदर आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें 1, 2, 3 है, ठीक। फिर साथ ही साथ आप इसके ऊपर चाहें तो वो थोड़ी बहुत वो क्लासेस वगैरह लगा देंगे, एंड देन इफ़ वी अप्लाई द क्लास हेयर, तो क्लास लगाने के बाद क्या हो जाएगा चेक करते हैं हम पहले, मे बी कोई हमारे पास अगर क्लास हो यहाँ पे तो, या फिर हम किसी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट में से उठाने की ट्राई भी कर सकते हैं, तो लेट मी जस्ट लॉग इन फर्स्ट, पहले मुझे लॉग इन करने दें, ओके, मैं लॉग इन करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद हम देखते हैं कि अदर इफ़ वी हैव सम ड्रॉप डाउन क्रिएटेड हेयर ऑलरेडी, तो हम उसके अंदर जाके देख लेंगे फिर, ठीक है, ओके। सो आई थिंक दिस इज़ द प्लेस, ये वो जगह है मुझे लग रहा है जहाँ पे हमें कुछ बेहतर यूआई मिल जाएगी उसकी, बट ओके, क्लास है हमारे पास, ठीक है, ड्रॉप डाउन की, मे बी ड्रॉप डाउन की क्लास लगा के हम देख सकते हैं कि हाउ इट्स लुकिंग ऑन द पेज, तो ओके, इसको तो आप छोड़ दें, जस्ट इग्नोर दिस वन, राइट, क्लास लगाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और अब अपने अपनी इसको साइट को जो ना हम वापस बैक करेंगे, ओके, यहाँ से हम जा सकते हैं इस तरह, देन जस्ट लॉग आउट एंड गो टू साइन अप, वेल नो डिफरेंस ऑन द यूआई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर यूआई पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ा तो जस्ट लीव इट, ओके। अच्छा, अब हमें ये देखना होगा कि अगर हम इसको देखें तो क्या पोस्ट करने पे आपको इसकी वैल्यू मिल रही है कि नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी है। अब इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल काम करेंगे भाई, हम बिल्कुल करेंगे यहाँ पे काम, और यहाँ पे जो ना हम इको करवा देंगे, और इको क्या करवा रहे होंगे हम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट में रोल, यहाँ पे हम रोल डलवा देंगे,
और ये जो भी रोल में हमारे पास वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ पे आकर हमारे पास कहीं पे भी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सेलेक्ट समवन एंड सबमिट। ओके, तो अभी ये देखें, ये इस जगह पे आपको यहाँ पे लिखा रहा होगा टू नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सो हेयर इज़ टू। तो अब अगर मैं यहाँ पे कस्टमर लेता हूँ तो मीन यहाँ पे थ्री आना चाहिए, तो लाइक दिस थ्री इज़ अपेयरिंग हेयर। तो इसका मतलब हमारा ड्रॉप डाउन काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ड्रॉप डाउन काम कैसे कर रहा है? ड्रॉप डाउन भाई काम इस तरह कर रहा है कि पहले हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा, दिस इज़ द मेन इशू। तो हम क्या करते हैं, इस ड्रॉप डाउन के कंटेंट को लेकर चलते हैं और कहाँ पे, यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, और ईको में यहाँ पे रखवा देते हैं। अब मैं ईको में क्या करवा रहा हूँ, इस तरह से करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अपेंड करा दूंगा, जो मेरी ये सिंगल कोट्स हों, डबल कोट्स होंगी, इनको मैं सिंगल कोट्स बना दूंगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन का नाम मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, ड्रॉप डाउन का नाम मेरे पास यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन का नाम मैं उठाऊंगा और यहाँ पे अपेंड करा दूंगा लाइक दिस। ओके, डबल कोट्स में आ जाएगा, इधर कॉनकेट कराएंगे और ये मेरा ड्रॉप डाउन का नेम आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेरा नेम यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, इस तरीके से हमारी एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है गाइज। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, हमारे पास सेलेक्ट है तो हम इस सेलेक्ट के क्लोजिंग को उठाएंगे और कहाँ ले जाएंगे, वाइल लूप के बाहर लेके जाएंगे और इसको इको करेंगे और यहाँ पे इसको भी डबल कोट्स के अंदर रख के प्रिंट करवा देंगे। इट मीन्स के सेलेक्ट लिस्ट हमारे पास ओपन होगी और सेलेक्ट लिस्ट हमारे पास क्लोज हो जाएगी और वाइल लूप के अंदर जो ना हम अपना ऑप्शन प्रिपेयर करवा लेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ईको करवा रहे होंगे, डबल कोट्स रखेंगे और यहाँ पे लेके आ जाएंगे इसको, ठीक है। देन आपके पास इसको सिंगल कोट्स रखना होगा। नाउ व्हाट नेक्स्ट, जिस तरह आपने यहाँ पे रॉ में से फर्स्ट नेम उठाया हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पे ऐसे करके कॉनकैट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कहेंगे क्या, यहाँ पे आप वही वाला कॉलम का नेम यूज़ करेंगे जो आपने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, एंड दैट इज़ ड्रॉप डाउन ऑप्शन, सही है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और ड्रॉप डाउन ऑप्शन को जो है ना हम कॉपी कर लेंगे, बिल्कुल उसी केस का ख्याल रखिएगा, ठीक है। मेक श्योर कि आप कोई इसमें गलती ना करें, स्मॉल और कैपिटल का आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। ओके, तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, इट्स ड्रॉप डाउन वैल्यू। तो वो ड्रॉप डाउन वैल्यू है आपके पास, सो पिकअप द वैल्यू हेयर, ठीक है, एंड जस्ट कॉपी द सेम, इस सेम को आप वापस से कॉपी करेंगे एंड पेस्ट हेयर, ठीक है। और इस बार आपके पास बिकॉज ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, यानी आपने दिखाना है कुछ, तो आप ड्रॉप डाउन ऑप्शन उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करवा देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, ये जितने भी आपके पास रोल्स वगैरह आएंगे वो उन सब का जो है ना एक एक करके लूप चलाएगा और लूप चलाने के बाद उन सबको प्रिंट कर देगा, और जैसे ही लूप ख़त्म होगा उसके बाद आके आपकी सेलेक्ट लिस्ट जो है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। सो इन दिस वे हम एक सेलेक्ट लिस्ट प्रिपेयर करवा लेंगे और वो सेलेक्ट लिस्ट बिल्कुल उस तरीके से होगी जिस भी ड्रॉप डाउन का आप यहाँ पे नाम देंगे उस ड्रॉप डाउन के अगेंस्ट वो लिस्ट प्रिपेयर होकर आपके पास आ जाया करेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द सेलेक्ट लिस्ट मेकर। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे जो साइनअप पे जाना है, ठीक है, और साइनअप पे जाने के बाद ये हमारी स्पेस है जहाँ पे हमें काम करना है। सो आई वुड जस्ट राइट द PHP टैग हेयर, मैं यहाँ पे एक छोटा सा PHP का टैग लगाऊंगा, ठीक है, एंड दैट विल बी द क्लोजिंग टैग। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, के यहाँ पर हमने एक फ़ाइल को इंक्लूड करवाना होगा, इंक्लूड, ठीक है, बिकॉज इट्स अ न्यू फाइल तो आपको वो इंक्लूड करवानी पड़ेगी। एंड आप साइनअप में हैं तो पहले आप एक फोल्डर बाहर जाएंगे, देन यू विल गो टू द डेटाबेस, और डेटाबेस में जाने के बाद आप फाइल सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन .php, ठीक है। तो इस तरह से आपकी फ़ाइल इंक्लूड हो जाएगी, उसके बाद आप अपना मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे, मेथड जो आपने अभी अभी बनाया है सेलेक्ट लिस्ट मेकर, और इस सेलेक्ट लिस्ट मेकर को आप बताएंगे कि भाई मुझे जो है वो रोल चाहिए, तो ये आपको रोल के अगेंस्ट जो भी ड्रॉप डाउन बनता होगा ये वो आपको लाकर प्रिपेयर करवा के देगा और इसको देना भी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द मेथड। अब ट्राई करते हैं, हमारे पास सबसे पहले तो एरर आ गया। ओके, द एरर इज़ कैन नॉट री डिक्लेयर इंसर्ट अपडेट डिलीट। ओके, तो वो कहता है कि भाई इंसर्ट अपडेट डिलीट को आप दोबारा से यहाँ पे री डिक्लेयर नहीं करवा सकते। ओके, सो लेट्स ट्राई टू रिमूव दिस फाइल, ठीक है, इस फाइल को रिमूव करके देखते हैं। नाउ ट्राई दिस। ओके, अब वो कहता है कॉल ऑफ अनडिफाइंड फंक्शन, यानी कि आपको ये तो इंक्लूड करवानी ही करवानी है। हाँ, इस जगह पे मे बी अगर हम इस लाइन को हटा दें, देन लेट्स सी के क्या होता है आपके पास। ओके, तो आपके पास ड्रॉप डाउन बन के नहीं आ रहा बिकॉज इसको वो फाइल रिक्वायर्ड है, और जब आप उस फाइल को यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं तो वो फाइल दो बार रिक्वायर्ड हो रही है। सो आई वुड जस्ट प्रेफर कि हम यहाँ पे इंक्लूड वंस लगा कर ट्राई करते हैं, एंड आई जस्ट होप कि इट दिस शुड वर्क, बट दिस इज़ स्टिल नॉट वर्किंग। तो कोई एरर भी नहीं आ रहा, कोई मिस्टेक भी नहीं है,
सो लेट्स ट्राई के व्हाट्स हैपनिंग हियर. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ इको लिख के देख सकते हैं और इको लिख कर हम देखते हैं कि क्या वो यहाँ तक आ रहा है. ओके, सो आई वुड राइट कमिंग हियर कि भाई वो यहाँ तक आ गया. जस्ट रिफ्रेश द पेज, सो इट्स कमिंग हियर, राइट. सो जस्ट कट दिस वन और यहाँ पेज करके देखें. रिफ्रेश द पेज, सो इट्स कमिंग हियर एज वेल. ओके, कट द पेस्ट एंड कट एंड पेस्ट एंड ट्राई दिस वन, सो इट्स कमिंग हियर एज वेल. ओके, गुड, ठीक है. अब यहाँ ट्राई करते हैं और रिफ्रेश करते हैं. ओके, इस पॉइंट पे देखें वो यहाँ पे आना बंद हो गया बिकॉज इट सेज कि उसको रिजल्ट जो है वो सक्सेस नहीं मिल रहा या फिर रिजल्ट का जो काउंट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं मिल रहा. ओके, रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है. रिजल्ट में जो आपके पास सक्सेस आ रहा है वो सक्सेस उसको नहीं मिल पा रहा. ओके, सो दिस इज़ द केस कि जो रिज़ल्ट यहाँ पे आया है इस क्यूरी का, दैट रिज़ल्ट इज़ नॉट सक्सेसफुल. तो हम क्यूरी चलाकर देखेंगे सबसे पहले, ठीक है. इस क्यूरी को हम करेंगे कॉपी और इसको हम ले जाएंगे अपने PHP माई एडमिन के अंदर और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे. और हमारा जो ड्रॉप डाउन का नेम था वो हमने दिया था रोल, ठीक है. अच्छा, सो आई थिंक आई हैव डिटरमाइन द मिस्टेक. तो मिस्टेक देखें आपके पास क्या है कि रोल जो है वो कोई कॉलम नहीं है. रोल अगर आप यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग पास करते तो फिर वो चलने वाला था, राइट. ओके, तो एज अ स्ट्रिंग पास करने के लिए क्या करना होगा, एक सिंगल कोट यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, एंड डॉट करें और एक सिंगल कोट यहाँ लगा दीजिए और इसको टर्मिनेट कर दें, ठीक है. सो इन दिस केस जो आपकी क्यूरी बन रही होगी वो कुछ ऐसी होगी, कॉमा कॉमा एंड टर्मिनेट, ठीक है. अब आप इसको चलाएंगे, सो दिस इज़ गिविंग यू द रिज़ल्ट. ये आपको रिज़ल्ट दे रहा है, ठीक है. इट मीन्स कि अब यहाँ पे आपके पास सक्सेस आना शुरू हो जाएगा. सो लेट्स रिफ्रेश द पेज. ओके, लुक, आपके पास ड्रॉप डाउन बन के आ गया, ठीक है. ओके, सो इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड द ड्रॉप डाउन. आपका ड्रॉप डाउन यहाँ पे बन चुका है, ठीक है. अब नाउ इफ़ यू वॉन्ट टू टेस्ट दिस वन, तो आप क्या करें, आप यूज़र की जगह जो है वो कुछ और देकर देखें. लाइक हम साइनअप पे थे तो साइनअप की जगह मैं देकर देखता हूँ, यहाँ रोल की जगह मैंने ऑर्डर लिख दिया, ठीक है. सो जस्ट रिफ्रेश द पेज. अब देखें आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, राइट. अब कुछ भी ना आना भी गलत चीज़ है, यहाँ पे एटलीस्ट सेलेक्ट ऑप्शन आना चाहिए, समथिंग शुड बी देयर एज वेल, ठीक है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने इस ईको को उठाएंगे, ठीक, और इस ईको को जो है हम यहाँ प्रिंट कर देंगे दिस वन, और इस ईको को उठाएंगे और बिल्कुल इस लाइन के नीचे यहाँ प्रिंट कर देंगे. मींस दिस लाइन इज़ ऑलवेज गोइंग टू रन, ये लाइन तो हमेशा चलने वाली है. हाँ, अब अगर अंदर सक्सेस वगैरह मिल जाते हैं तो फिर ठीक है, हम डेटाबेस से आए हुए ऑप्शंस को प्रिपेयर कर देंगे. अगर नहीं मिलते सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस. ओके, तो लुक, आपके पास सेलेक्ट आ रहा है लेकिन एम्प्टी है, तो एम्प्टी होना भी दिस इज़ नॉट अ गुड साइन. तो इस केस में क्या करेंगे, हम इको करवाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट करेंगे हम, ऑप्शन, एंड ऑप्शन को क्लोज करेंगे सबसे पहले ताकि हम उसे क्लोज करना भूल ना जाए. और फिर उसकी जो हम वैल्यू रखवाएंगे, दिस वैल्यू विल बी ज़ीरो, ये हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है. एंड वॉट विल बी द नेम, नेम क्या होगा. ओके, तो नेम होगा यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है, और सेलेक्ट व्हाट, सेलेक्ट यहाँ पे जो नेम होगा ये दिस वन, ऐसे करके, ठीक है. तो यहाँ आ जाएगा दिस वन और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलेक्ट रोल. अब जो भी मेरे पास नेम आ रहा होगा ना वो यहाँ पे ऐसे अपेंड हो जाएगा, सो आई विल शो यू हेयर. ओके, आई थिंक कॉमा लगाने की ज़रूरत है, यहाँ पे टर्मिनेट करवाना होगा. ओके, नाउ लुक एट दिस, यहाँ क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑर्डर, ठीक है. नाउ अब मैं अगर यहाँ पे जाके कॉल करता हूँ कि भाई मुझे रोल का ड्रॉप डाउन प्रिपेयर करना है, तो यहाँ क्या लिखा आ रहा है, सेलेक्ट रोल. सो इट्स डायनामिकली चेंजिंग, ठीक है, खुद ही खुद चेंज हो रहा है, सही है. सो दिस वॉज द पर्पज़ कि हम एक मेन मेथड बनाएं और जैसे ही हमने रोल डाला तो आपके पास देखें रोल जाना शुरू. ओके, नाउ अब आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ वेरियस लॉजिक हो सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे जो है वो एडमिन नहीं दिखाना चाह रहे, तो फिर ठीक है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि आप एडमिन प्रिपेयर ही ना करवाएं, ठीक है. या फिर आप जो है ना यहाँ पर कोई एक एरे भिजवा दें और नॉट इंक्लूडेड ऑप्शंस करवा दें, आप बता दें पीछे से, यहीं से आप जो ना बता दें कि भाई इस वाले ड्रॉप डाउन में ये ऑप्शन इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो उसका भी काम हम करवा सकते हैं कि वो यहाँ पे एरे आएगी और फिर हम उसको यहाँ पे स्किप करवा दिया करेंगे, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट वी आर लीविंग दिस फॉर द नेक्स्ट क्लास. ओके, अब आपके पास यहाँ पे IDs आना शुरू हो गई हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट टारगेट इज़ कि हम यहाँ पर जो है ना जो हमारा यूज़र्स का टेबल था इसके अंदर अब हम एक कॉलम क्रिएट करने जा रहे हैं. तो लेट्स क्रिएट अ कॉलम क्विकली. तो हम कहेंगे alter table users, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है. एंड add, और add के बाद role ID, ठीक है. एंड दिस विल बी इंटीजर, डिफॉल्ट 0, एंड दिस विल बी नॉट नल. ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस.
तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब जो भी एडमिन या यूज़र जो भी आप चीज़ लेकर सेलेक्ट करेंगे उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट भी करवाना होगा, ठीक है। सो वी आर गेटिंग द रोल आईडी हेयर, ये ड्रॉप डाउन आपका यहाँ पे बन रहा है, ड्रॉप डाउन का नेम वगैरह सब कुछ प्रिपेयर है, सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। अब यहाँ पे क्या केस आ जाएगा, यहाँ पे आप एक कंडीशन लगा देंगे और वो होगी क्या, रोल वाली, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि भाई रोल का भी एरर होना चाहिए, ओके। सो रोल का भी एरर रखवाएंगे हम, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना अब एक आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा डॉलर रोल इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, कि भाई रोल आईडी क्या होगी, ज़ीरो होगी। सो लेट्स पुट दिस वन हेयर, ओके। नाउ रोल आईडी के बाद क्या होने वाला है कि जैसे ही आपकी ये स्क्रिप्ट चलेगी तो हम कहेंगे रोल आईडी को भाई उठाओ, कहाँ से उठाओ, पोस्ट में से उठाओ। एंड हाउ, आपके पास यहाँ पे नेम आ रहा होगा रोल, रोल उठाओ और इसके अंदर रखवा दो, ठीक है। तो रोल आईडी यहाँ पे आ जाएगी, ओके। अब मैं यहाँ पे आके कहूँगा कि इफ़ अगर रोल आईडी इज़ इक्वल इक्वल टू ज़ीरो, कि भाई अगर रोल आईडी ज़ीरो है तो फिर मैं ये कहूँगा कि जो हमारी एरर वाली एरे है उस एरे के अंदर हम क्या करवाएंगे, उसके अंदर हम एरर डलवा देंगे इस तरीके से और कहेंगे कि रोल वाले आइटम के अंदर एक एरर डलवा दो और यहाँ पे लिखो रोल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपके पास रोल रिक्वायर्ड का एरर आ जाएगा, यानी अगर रोल आईडी ज़ीरो होगी तो, ठीक। फिर हम यहाँ पे आगे जैसे सब जगह सब चीज़ों का एम्प्टी चेक कर रहे थे, इसी तरह हम यहाँ पे चेक करेंगे कि रोल आईडी शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, रोल आईडी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आगे काम करो, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, के यहाँ पे हमने ईमेल तक डलवाई हुई थी, अब हमें यहाँ पे डलवानी होगी रोल आईडी, ठीक है। और रोल आईडी हम डलवाने के बाद कहेंगे कि भाई जो वैल्यू है वो यहाँ पर है, ठीक है जी। तो रोल आईडी यहाँ पैरामेरे में आ जाएगी, पैरामेरे से वो साइनअप में जाएगी और साइनअप के अंदर अभी तक रोल आईडी का काम हुआ नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा अपने प्रोसीजर के ऊपर। तो लेट्स ओपन द प्रोसीजर्स और यहाँ से साइनअप का प्रोसीजर खोलेंगे। साइनअप का प्रोसीजर खोलने के बाद अब यहाँ पर हमें एक ऐड पैरामीटर, और पैरामीटर इंटीजर होगा, पैरामीटर का नाम होगा रोल आईडी इंटीजर, और उसकी लेंथ वगैरह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दें, इसको आई थिंक ज़ीरो फिल कर भी दें तो कोई मसला नहीं है। एंड इस जगह पे देखें, यहाँ पे क्रिएटेड ऑन तक है, अब आप यहाँ लिखेंगे रोल आईडी, ठीक है। एंड रोल आईडी के बाद आप यहाँ लिख देंगे रोल आईडी ये वाली जो आपने यहाँ पैरामीटर में डिफाइन की है। लेट्स जस्ट प्रेस गो, ओके। प्रोसीजर आपका एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है जी। प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो गया, आपने यहाँ पे प्रोसीजर की जो पैरामीटर एरे थी उसके अंदर भी आपने रोल आईडी रखवा दी, वो रोल आईडी यहाँ पे सेट भी हो गई। नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ़, what we are going to do, we are going to test this one, okay. So let's test this and we are going to set Fatima Ali Khan, okay, and username will be Fatima and Fatima at gmail.com and password will be 123 or Fatima jo hai wo it's going to be, she's going to be a vendor, to hum yahan pe vendor likhenge, okay, and sign up. ओके, आई थिंक इट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब जो फातिमा के अगेंस्ट यूज़र बना होगा वहाँ पे जो रोल आईडी थी दैट शुड बी 3, ओके। सो लेट्स ट्राई दिस वन, उसको भी देख लेते हैं, ओके। इट्स 2, वेंडर 2 था ना, हमने वहाँ वेंडर सेलेक्ट किया था, सो दिस इज़ 2 अपियरिंग हियर, ठीक है। एक और वेंडर ट्राई करके देखते हैं, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सेट सिद्रा साजिद अली, ठीक है। एंड सिद्रा साजिद अली विल बी, हम इसको जो है वो कस्टमर बनाते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी सिद्रा एट gmail.com, राइट। एंड सिद्रा अगेन, एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई ये जो है ना कस्टमर होने वाली, ठीक है। तो हमने यहाँ इसके लिए कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, जस्ट साइन अप, ओके। तो आकर देखते हैं अपने डेटाबेस में कि जो हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड आने वाला है उसमें देखें 3 आ गया आपके पास। सो यू कैन सी कि यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंगली 2 और 3 डलवा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा वेंडर भी क्रिएट हो रहा है, हमारे पास जो है वो रोल आईडी भी आने लग गई है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट ये है कि अब हमें ये देखना होगा कि अगर हम वेंडर क्रिएट कर रहे हैं या हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट जो है वो नॉन अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। वो नॉन अप्रूव होना चाहिए, फिर उसके बाद एडमिन के पास राइट्स होंगे कि वो उसको अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है, ठीक है जी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम यहाँ पर एक नया कॉलम क्रिएट करवाते हैं और वो जो नया कॉलम हम यहाँ पे क्रिएट करवाने वाले हैं उस कॉलम में हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, और यूज़र्स का टेबल हम अब ऑल्टर कर रहे हैं तो ऐड, और ऐड के बाद हम यहाँ पे जो कॉलम का नेम देने वाले हैं वो होगा स्टेटस आईडी, ठीक है। स्टेटस आईडी होगा इंटीजर नॉट नल एंड दैट विल बी डिफ़ॉल्ट 0, ओके।
सो लेट्स टेस्ट एग्जीक्यूट दिस। तो आपके पास एक और टेबल क्रिएट हो गया। अब क्योंकि आपने एक नई चीज़ इन्वेंट करवाई है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है, वो स्टेटस है, तो यूज़र के कुछ स्टेटस होंगे। सो व्हाट विल बी द स्टेटस? अप्रूव्ड होगा, डिसअप्रूव्ड होगा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अभी फ़िलहाल हम दो ही रखते हैं, और एक पेंडिंग होगा, ठीक है। पेंडिंग पेंडिंग स्टेटस सबसे पहले होगा, ठीक है जी, देन अप्रूव्ड होगा एंड देन दिस अप्रूव्ड होगा, और फिर हम आगे डिसाइड कर लेंगे हमारे पास कोई और दूसरे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। सो वी हैव अ कॉमन ड्रॉप डाउन, हमने कॉमन ड्रॉप डाउन इसलिए बनाया था कि हम सब कुछ यहीं पर इंसर्ट करेंगे। सो इंसर्ट इन टू कॉमन ड्रॉप डाउन, ठीक है, और यहाँ पर मैं ऑप्शन बताऊँगा कि भाई सबसे पहले मैं इंसर्ट करवाऊँगा ड्रॉप डाउन नेम, ठीक है जी, फिर मैं इंसर्ट करवाऊँगा ड्रॉप डाउन ऑप्शन, राइट, एंड देन मैं इंसर्ट करवाऊँगा ड्रॉप डाउन वैल्यू, ठीक है। सो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। अब वैल्यूज़ आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगा यूज़र स्टेटस, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही वही है ना, तो मैंने यूज़र स्टेटस देना है इसके अंदर, ठीक है। देन आई एम गिविंग द पेंडिंग, फिर मैं पेंडिंग देने वाला हूँ यहाँ पे, और पेंडिंग की वैल्यू होगी 1, ओके, जस्ट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारे पास अप्रूव्ड, ओके, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट होगा हमारे पास डिसअप्रूव्ड, और डिसअप्रूव की आईडी होगी हमारे पास 3। सो लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट दिस, एग्जीक्यूट करते हैं तो तीनों रिकॉर्ड हमारे पास क्रिएट हो गए, और कॉमन ड्रॉप डाउन के अंदर मैं जाके देखूंगा तो आपके पास देखें सेकंड स्टेटस आने लग गया। ओके, नाउ साइनअप के अंदर ये काम आप बाय डिफ़ॉल्ट कर दें, साइनअप के अंदर आप ये काम बाय डिफ़ॉल्ट कर दें कि भाई स्टेटस आईडी डलवा देना हमेशा, ठीक है, और स्टेटस आईडी हमेशा क्या डलवाना, 1, क्यों, क्योंकि पेंडिंग की आईडी क्या थी, 1, ठीक है। तो आप 1 देना ज़रूर सही नहीं है, द 1 आप इस तरीके से हार्ड कोडेड 1 आईडी दें, सो दिस इज़ नॉट सेफ। तो उसके केस में क्या होना चाहिए, आपको एक क्यूरी बनानी पड़ेगी, ठीक है, और वो क्यूरी क्या बनाऊँगा मैं कि सेलेक्ट फ्रॉम कॉमन ड्रॉप डाउन वेयर ड्रॉप डाउन नेम इज इक्वल टू यूज़र स्टेटस, ठीक है, एंड ड्रॉप डाउन ऑप्शन इज इक्वल टू व्हाट, ड्रॉप डाउन ऑप्शन इज इक्वल टू पेंडिंग, ठीक है जी। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप जाओ इस कॉमन टेबल के अंदर जाओ, ठीक है, और इस कॉमन टेबल के अंदर से जाके जो है ना आप यूज़र स्टेटस का जो पेंडिंग वाला है, ठीक है, यूज़र स्टेटस का जो पेंडिंग वाला है उस रिकॉर्ड को लेकर आओ। सो लेट्स एग्जीक्यूट, तो आपके पास देखें एक भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा, बिकॉज मे बी आई हैव डन सम मिस्टेक हियर। तो हम चेक करते हैं यूज़र स्टेटस, कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है, और एडिट करेंगे, ओके, पेस्ट कर देंगे, यूज़र स्टेटस की स्पेलिंग गलत थी, ठीक है। नाउ जस्ट एग्जीक्यूट दिस, तो आपके पास देखें एक रिकॉर्ड आ रहा होगा आईडी 1, ये तो आपके पास आईडी 1 आ रही है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि हमें इस आईडी 1 को पिक करना होगा, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, ड्रॉप डाउन, ओके, ड्रॉप डाउन वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, सो जस्ट प्रेस दिस। अच्छा, अब पॉसिबल ये है कि कभी हो सकता है इन केस इन फ्यूचर जो है आपकी इसकी आईडी जो है आप वो चेंज कर दें, ठीक है, मे बी दिस बिकम्स 3, दिस बिकम्स 4, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी रैंडम सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, तो वो तो हमें नहीं पता। सो इन दैट केस आई वुड प्रेफर कि आप इस क्यूरी को कॉपी करें और अपने साइनअप के प्रोसीजर में जाएं, ठीक है, और साइनअप के प्रोसीजर में जाकर आप यहाँ पे कहें कि भाई यहाँ पे जो ना आप हमेशा एक स्टेटस आईडी क्रिएट करवा दें, और वो स्टेटस आईडी क्या होनी चाहिए, ऐसे, यानी जो भी पेंडिंग के अगेंस्ट नंबर मिल रहा है वो नंबर हम उठाएंगे और यहाँ रखवा देंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग अगेंस्ट पेंडिंग, तो पेंडिंग के अगेंस्ट आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो आपने 1 उठा के यहाँ रखवा दिया। आप कहोगे कि लाइक यू कैन से आप 1 लिख देते डायरेक्टली, तो भाई इट्स पॉसिबल कि हो सकता है किसी डेटाबेस पे किसी साइट पे 1 ना हो, हो सकता है इस पे 2 पड़ा हुआ। सो इट्स बेटर कि आप कीज़ के ज़रिए वहाँ तक पहुँचें, ठीक है, इट्स नॉट बेटर कि आप खुद से आईडी को अज्यूम करें और वहाँ पे घुसा दें, इट्स बेटर कि आप कीज़ के ज़रिए वहाँ तक पहुँचें, ठीक है। सो हमने ये प्रोसीजर को भी एग्जीक्यूट कर दिया। नाउ लेट्स ट्राई टू साइन अप अगेन, अब दोबारा साइन अप करके देखते हैं, और मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ अकरम अहमद, अकरम अकरम एट gmail.com 789, और ये क्योंकि मेरा वेंडर है, ठीक है, तो अब इसको मैंने कहा साइन अप करो, ये साइन अप हो गया, ठीक है जी। और मैं अब जाके देखता हूँ अपने यूज़र्स के टेबल के अंदर, सो व्हाट आई सी कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो अक्रम नाम का बंदा आ चुका है, ठीक है, और देखें उसकी स्टेटस आईडी क्या है, 1 है, इट मींस कि ये पेंडिंग है।
अब जब तक एडमिन अपने पोर्टल में से जाके इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये आईडी 2 नहीं हो जाती, हम इसको लॉगिन भी नहीं करवाने देंगे, ठीक है ना। तो हम इसके लॉगिन में क्या काम कर देंगे भाई, लॉगिन के अंदर हम जाके काम कर देंगे कि एंड, ठीक है, एंड यू डॉट डिलीटेड इक्वल ज़ीरो, एक तो पहले तो डिलीट नहीं होना चाहिए, एंड यू डॉट स्टेटस आईडी इज़ इक्वल टू व्हाट, स्टेटस आईडी क्या होनी चाहिए, पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्या होनी चाहिए, वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो आप यही लाइन कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और इस बार पेंडिंग की जगह आप क्या लिख देंगे, अप्रूव्ड, कि सिर्फ वो बंदा ही लॉगिन कर सकता है जो अप्रूव्ड है, ठीक है ना भाई, जो बंदा अप्रूव्ड है सिर्फ उसी बंदे को हम लॉगिन अलाउ करेंगे। तो हमारा लॉगिन का जो प्रोसीजर है वो भी इस तरह से स्ट्रांग हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट गो, इसको मैंने गो किया, अब आप किसी भी बंदे के साथ लॉगिन करें आप लॉगिन कर ही नहीं पाएंगे, लाइक दिस। मैं इसके साथ अभी तक लॉगिन कर रहा था बट मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो मैं किसके साथ कर रहा हूँ, दिस इज़ माई यूज़र, मैं इसको जाके यहाँ से कर देता हूँ भाई 2, एटलीस्ट मुझे तो लॉगिन करने देना वो, ओके, सो आई वुड जस्ट प्रेस लॉगिन, वो देखें लॉगिन हो गया बिकॉज मैं अप्रूव्ड हूँ एडमिन की तरफ से, ठीक है। अगर एडमिन मुझे कहता नहीं भाई तुम अप्रूव नहीं हो, तुम डिसअप्रूव्ड हो, अब मैं लॉग आउट करूँगा एक बार, ठीक है जी, ये मैंने लॉग आउट किया, अब मैं लॉगिन करूँ, आई कैन नॉट लॉग इन बिकॉज प्रोसीजर के अंदर हमने ये डिफाइन कर दिया कि सिर्फ अप्रूव्ड वाला बंदा ही लॉगिन कर सकता है, ठीक है, और साइनअप के अंदर हमने ये डिफाइन कर दिया कि जब यूज़र बनेगा तो वो ऑलवेज पेंडिंग होगा। इट मीन्स कि पेंडिंग बन गया है और अप्रूव्ड ही लॉगिन कर सकता है, मींस अब यहाँ पे एडमिन की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, एडमिन जब तक यूज़र को अप्रूव नहीं करेगा वो उस वक्त तक लॉगिन नहीं कर पाएगा। सो इज़ दैट क्लियर फॉर ऑल यू, सो दिस इज़ द केस। तो अब तक हम आज की क्लास तक फिलहाल इतना ही रखते हैं, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, इफ़ यू हैव सम क्यूरी सम क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी, देन इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस स्टेप, टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।